कहूंगा कि जिनका समुदाय आज खरेखर जय बनता है, जिन्होंने आज इस जैन समाज पर जो उपकार किया है वो कभी भुला नहीं जा सकता है। ऐसे 36 गुणों के धनी सरल स्वभावी पंजाब के श्री परम पूज्य जगम विजय वल्लभ सुरी सोजी महाराज साहेब की और परम पूज्य गच्छाधिपति वर्तमान श्री परम पूज्य जगम नित्यानंद सुरी सोजी महाराज साहेब की और ऐसे निष्ठादाता जिनके निष्ठा में आज ये मणिभद्र पूजन जबरदस्त आज आगाज हुआ है, आयोजित हुआ है। ऐसे परम पूज्य मुनिराज जैन साइट प्रणेता सुधर्मा स्वामी की पाठ को सुशोभित करते हुए परम पूज्य मुनिराज भाग्य चंद्र विजय जी महाराज साहेब की जय हो जय। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो सभी, हाथ जोड़िए। मतलब जिन महानुभवों ने 2700 रुपए के टोकन लिए थे उनसे निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी मूर्ति काउंटर से प्राप्त करके अपने पाठ पे रख दें। जिन महानुभवों ने 2700 रुपए पूजन के लिए दिए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया प्रास की मूर्ति काउंटर से प्राप्त करके अपने पाठ पे रख दें। लीजिए भाग्यशाली गुरुदेव प्रारंभ करें प्राथमिक विधि के पूजन के अंदर। आप और हमें एक दूसरे को अपने वाइब्रेशन को एकदम पॉजिटिव करना है और अपने आप को एकदम पवित्र करना है। वो विधान होने से पहले आज मैं चाहूंगा कि ऐसे गुरुदेव आज हमारे बीच बता रहे। शायद गुरुदेव आज यहाँ नहीं होते, अगर वो इतना सुंदर सा मार्गदर्शन नहीं देते तो क्या आप यहाँ आते हाँ या ना? भाई बोलते रहना, मुझे जरा रिप्लाई देते रहना, वरना मुझे लगेगा कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ। आप यहाँ आते नहीं, ये प्रतिक्रिया बताता नहीं, ये सुंदर सा माहौल होता तो भाग्यशाली। सबसे पहले गुरुदेव का स्वागत करेंगे कि नहीं, हाँ या ना? आज परम पूज्य साधु जी भगवंत भी हमारे बीच विराजमान है, तो लीजिए एक स्वागत के अंदर हमारे गुरुदेव का स्वागत करते हैं बहुत ही सुंदर से एक जबरदस्त शाही सलामी के साथ, क्योंकि गेमावर जो भी काम करता है संगीत में करता है, वीवीआईपी की तरह करता है। तो सब मिलकर एक बार मेरे साथ स्वागत करना, मैं सुर से सुर मिलाऊंगा, आप हाथों का उपयोग करके गुरुदेव का स्वागत करना। किस प्रकार सुनेगा बाकी। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं, थोड़ा ईगो बन देना कि मैंने क्या कहा। देखो एक ही बात कहता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि गुरु भक्ति करने का अवसर बीच में नहीं मिलेगा एक बार मणिभद्र दादा का पूजन हो गया तो। इसके लिए मैं चाहता हूँ 2 मिनट मेरे साथ गुरु भक्ति करेंगे, क्योंकि देव गुरु धर्म की कृपा के बिना मेरी भी कोई ताकत नहीं कि मैं इस मंच पर आकर 2 शब्द भी बोल सकूं। ये सब देव गुरु धर्म की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो अगर आपको भी अपने जीवन में सारे कार्य सफल करने हैं तो देव गुरु धर्म की भक्ति में कभी पीछे मत पड़ना। 2 लाइन मैंने क्या कहा आपने सुना होगा शायद,
जिन शासन की शान हो हम सबका सम्मान हो, महावीर की वाणी को आपने फरमाया है, अखंड तुम प्रचंड तुम सूर्य सा भी ताप हो, गुरुदेव भी गर्व करे मेरा शिष्य महान है। अगर लगे कि प्रति की मोहम्मद सच्ची बात कह रहा है तो दोनों हाथ उठाना, जिसके पास एक हाथ होगा वो एक, जिसके पास दो होगा वो दो। देखो भक्ति वैसी होनी चाहिए हमारे मनोला जी, देखो संगीत बंद हो गया तो भी तालियां चल रही, इसको बोलते हैं अंतर की भक्ति। तो जिसको गुरु भक्ति करनी है मेरे साथ सम्मिलित हो जाना, आ जाओ दोनों हाथ ऊपर। ये बात शासन की शान हो सबका सम्मान हो, शासन की शान हो सबका सम्मान हो, महावीर की वाणी को आपने फरमाया है, अखंड तुम प्रशासक तुम सूर्य सा भी ताप हो, अखंड तुम प्रशासक तुम सूर्य सा भी ताप हो, गुरुदेव भी गर्व करे मेरा शिष्य महान है। जयकारा 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 गुरुदेव का, जयकारा 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 गुरुदेव का, जयकारा 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 गुरुदेव का, जयकारा 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 गुरुदेव का। भाग्यशाली बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, पर एक दो लाइन मेरे साथ गाओगे तो मुझे लगेगा कि गुरु भक्ति आपके दिल में भी उतनी ही है। सिर्फ दो लाइन मेरे साथ गाना है। सब संगीतकार आते हैं कहते हैं ताली बजाओ, मैं नहीं कहूंगा इस बार ताली बजाने के लिए, सिर्फ एक हाथ अपना ऊपर करना है, क्योंकि पूरी पाठ परंपरा को वंदन होगा। आप जिस गुरु को मानते हो और जो गुरु सामने विराजमान है सबको वंदन होगा एक साथ। जैसे कृष्ण महाराज ने 18,000 गुरु वंदन एक साथ किए थे, वैसे आप सबका वंदन एक साथ पूरी पाठ परंपरा को होगा। कैसे? एक हाथ ऊपर करके जयकारा 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 गुरुदेव का, जयकारा 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 गुरुदेव का। एक लाइन में, एक लाइन आप तो मुझे लगेगा, और ऐसी भक्ति करना कि दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए गुरुदेव के। आपके आपका जब हाथ ऊपर होगा तो वहां से आशीर्वाद के हाथ दोनों ऊपर ऑटोमेटिक होंगे। तो कैसे? एक लाइन में, एक लाइन आप जयकारा 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 गुरुदेव का। सर्जी सच्ची भक्ति है। अगर अगर आपको लगे कि सच्चे भक्त चिन्नय वाले, अब मैं भी इनके साथ सम्मिलित हो गया हूँ गुरुदेव, अब मैं आपके साइड नहीं हूँ यहाँ पर हूँ, तो मैं भी भक्त बना हूँ, तो लगे तो दोनों हाथ ऊपर कर देना। जयकारा 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 गुरुदेव का। क्या बात है, सच्ची भक्ति है भाई, दोनों हाथ ऊपर हुए। बजाओ भाई अंतिम दो लाइन सम्मिलकर दोनों पर, दोनों हाथ ऊपर। जयकारा 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 गुरुदेव का, जयकारा 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 गुरुदेव का। क्या बात है, अच्छा लगे तो प्रत्येक माँ को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अब सबसे पहले प्रार्थना विधि प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य मुनिराज भाग्य छत्र विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद से हम लीजिए सबसे पहले प्रार्थना विधि सुनते हैं। बोलिए प्रथम तीर्थाधिपति आदेश्वर भगवान की। हाँ सर, देखिए कहते हैं कि सत्य कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य बोलने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और मंजिल प्राप्त करने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। जो बैठे हैं इस मणिपत्र भूषण में आज, जो बैठे हैं मणिपत्र भूषण में आज, उन्हें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं। दादा आपके साथ है, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं निवेदन करूंगा उन्हीं भगवान श्री भाग्य चंद्र जी महाराज साहब के कि आज का ये कार्यक्रम शुरू करें। अर्ज है शरीर में, बॉडी में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, ओम बोलने से निष्कासित होती है, बाहर आ जाती है।
ओम यानी एक प्रकार का एंटीवायरस है हमारे बॉडी के लिए। सबको आंखें बंद करना है। एक भावना मानी है, मैं आज उज्जैन आगलोडिया बगरवाड़ा जिस जिस माणिक देवी के स्थान है उसी स्थान पर विराजमान हूँ। नहीं, मैं चेन्नई में हूँ, जहाँ दादा विराजमान है उसी स्थान में विराजमान हूँ। जहीं कहीं भी आपने माणिभद्रवीर इंद्र के दर्शन किए हो उसी माणिभद्रवीर इंद्र को अपने मानस पटल में लाना है। तीन बार हम ओंकार बोलेंगे, उंडा श्वास लेके ओंकार बोलना है। Yeah.
चाहे अकित के हो, अकित यानी अभी जो चौबीस तीर्थंकर भगवान थे उसके पहले जितने भी तीर्थंकर भगवान हो गए, चाहे वर्तमान के हो चाहे फ्यूचर के यानी कि भविष्य में होने वाले तीर्थंकर भगवान हो, एक सिद्धांत है, कोई भी तीर्थंकर भगवान शासन की स्थापना करते हैं क्यों ज्ञान होता है, सबसे पहले शासन की स्थापना करते हैं साधु साध्वी शावक शबी का एक संघ रूप भगवान शासन की स्थापना करते हैं, वो शासन अविहट अविरत कंटिन्यू चलता है जिसमें कोई बाधा नहीं आती है, उसके साथ साथ भगवान और भी एक स्थापना करते हैं, हरेक भगवान के अधिष्ठायक देव और देवी होते हैं, भगवान खुद अधिष्ठायक देवी की स्थापना करते हैं, भगवान खुद करते हैं, कोई भी अधिष्ठायक देवी है खुद नहीं बने, जिनकी स्थापना अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा जब केवल ज्ञान होता है तो वो भी स्थापना करते हैं, क्यों करते हैं, कई लोग बोलते हैं देवी की माना सब क्या जरूरत है, भगवान ही बड़े थे देवी को मानने की जरूरत क्या है, सवाल भी हो सकता है, सही बात है, कई लोगों को ऐसा हो भी सकता है, कभी भी कंफ्यूज होने तो उसको दूर करना चाहिए, आज के बच्चे ऐसे आप एक सवाल पूछेंगे तो आपको दस सवाल पूछेंगे, जब तीर्थंकर परमात्मा है इतने शक्तिशाली अरिहंत परमात्मा है अनंत ज्ञान दर्शन चरित्र के मालिक है तो देवी की जरूरत क्या है, भगवान खुद स्थापना करते अधिष्ठायक देवी की, हम भी बोलते धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, धरणेन्द्र से और पद्मावती से जो परिपूजित है ऐसे शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, भगवान शासन को भी दिया जलाते हैं लेकिन उसमें घी पूरने का काम अगर कोई करते हैं तो अधिष्ठायक देवी करते हैं, अगर दिया में घी नहीं है तो वो दिया चलने वाला नहीं है, जब शासन में कोई विघ्न आता है जब संघ में कोई विघ्न आते हैं उसको विघ्न को दूर करने वाले अगर कोई है तो अधिष्ठायक देवी है, तीर्थंकर परमात्मा तो निरंजन निराकार है लेकिन मेरे शासन में अगर कोई संकट आएगा तो कौन बचाएगा, अगर मेरे शावक शरीर का मेरे साधु शादी दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो जाए वो जाने चाहिए तो सम्यक दृष्टि देवी देवता के पास ही जाने चाहिए, मेरे शासन के बाहर भी नहीं जाने चाहिए, विद्यालयों में नहीं जाने चाहिए, हमारे शासन में सब कुछ हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कई लोग चमत्कारों के बाद नमस्कार करने जाते हैं ताविज बंधाते हैं जाप कराते हैं नाग दोष ये दोष खालसा दोष पता नहीं कई कई दोष होते पितृ दोष लगता है किसी के पितृ थोड़े किसी को परेशान करते हैं, आपके डैडी आपको परेशान करेंगे, कोई जैन शास्त्रों में आगम में नहीं आता है कि किसी ने पिता ने किसको परेशान किया, पितृ दोष तो हम नहीं मानते, पिता क्यों परेशान करेंगे, आपको जन्म देने वाले आपको बढ़ाने वाले आपको बड़ा करने वाले आपके लिए अच्छा सोचने वाले वो पिता मृत्यु के बाद आपको क्यों परेशान करेंगे, आपके कर्म में जो होगा वही होने वाला है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको परेशान कर सके, अधिष्ठायक देवी जब भी शासन में संकट आते हैं कोई समुदाय में आते हैं कोई संप्रदाय में आते हैं कोई शावक को आते हैं कोई शाविका को आते हैं कोई साधु को या शादी को कोई भी उपसर्ग आते हैं तो उसको दूर करने वाले अधिष्ठायक देवी होते हैं, हमने परिश्रम महापर्व में सुना भगवान महावीर स्वामी पर कालचक्र छोड़ा गया भगवान आधे जमीन में चले गए, ऐसे ऐसे मरणान उपसर्ग आए तभी व्यंतर भगवान की मासी का पुत्र जो व्यंतर था वो ऐसे मरणान उपसर्ग में भगवान को बचाने आता था, वो भी एक देव था, पता था कि भगवान को भी मरणान उपसर्ग आने वाले तो भी उन्होंने भगवान को विघ्न को भी दूर किया था, आज हम किसका पूजन करने वाले माणिभद्र भी जो इंद्र है, कई लोग बताने के कोई भी पूछते माणिभद्र भी यानी क्या, हम जिनकी पूजा करते हैं उनका तो पता होना चाहिए लेकिन ऐसी पूजा करके हम चले जाएंगे वैसा नहीं होना चाहिए, आपके होटल में खाना खाने को जाऊंगे तो ऑर्डर देने के पहले आप भी सोचोगे उसमें आलू प्याज आएगा कि नहीं भेज होगा कि नहीं हमको चलेगा कि नहीं, पूरा एनालिसिस करने के बाद उसी चीज की तरह आप जाते हो तो हमको भी माणिपुर में भी क्या है वो भी समझना होगा, कौन है माणिपुर में वो भी आपके जैसे सावक ही है,
जिनका भी शमत 1563, जिनका जन्म उज्जैनी नगरी में हुआ था, एक शावक की थे। गुरु भगवान का प्रवचन भी सुनते थे। एक बार ऐसी भावना हो गई, सिद्धाचल गिरिराज का शरीर पाली संघ निकालना है। किसको? मानिकपुत्रवीर इंद्र, जिनका पहले नाम था माणिकशाह, एक सुशावक थे जिनका पहले नाम था माणिकशाह। एक भावना हो, सिद्धाचल का शरीर पाली संघ निकालना है। गुरु महाराज ने प्रेरणा दी और सिद्धाचल के शरीर पाली संघ की एक भावना हो गई। सकल संघ को लेके पाली जाने की और चलने लगे। शरीर पाली संघ निकाल रहे वो, लेकिन एक संकल्प था, जब तक सिद्धाचल गिरिराज पर नहीं पहुंचेगे तब तक चौबियार उपवास करेंगे। खुद चलते थे और चौबियार उपवास करते थे और संघ की भक्ति करते थे। एक बार रास्ते में जंगल में ऐसा हुआ, लुटारों ने पूरा संघ लूटने का प्रयास किया, लेकिन ये माणिकशाह आगे आए कि आपको जो भी करना है मुझको करो, मेरे संघ को थोड़ी भी आंच नहीं आनी चाहिए, आपको जो भी करना है मेरे पास से ले लो, मेरे संघ के एक भी शावक शाही को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं उनका निमित्त होगा या तो उनका कर्म का उदय होगा। वो लुटारों ने, वो चोरों ने, वो तस्करों ने उनकी वहां हत्या की। ऐसा कहा जाता है उनके 3 पूजा होती है, उज्जैन में होती है, मगरवाड़ा में होती है और आकलन में होती है। इधर धड़ की पूजा होती है, इधर पिंडी की होती है, इधर स्वर की पूजा होती है। 3 जगह पे एक ही दिन में अगर आपने 3 जगह दर्शन कर लिए तो पूरे माणिकपुत्रवीर के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कोई भाग्यशाली ही ऐसे होते हैं कि एक ही बार में, मतलब एक ही दिन में पूरे दर्शन हो गए हो। क्या किया? उनकी हत्या की, उनकी मृत्यु हुई, उनका डेथ हुआ। वो सीधे इंद्र बने, यानी कि देवलोक में गए। जो देवलोक में जाता है उनके पास औद्धिक ज्ञान होता है। औद्धिक ज्ञान में उनको पता होता है कि मैं कहां से आया हूं। उनको पता चला कि मैंने संघ निकाला था, मेरा उपवास का बचकान था, सिद्धाचल गिरिराज का ध्यान था, उसी शुभ ध्यान में मेरी मृत्यु हुई, उसकी वजह से मैं आज इंद्र बना हूं। सीधा वहां आते जहां संघ था, वहां आके सकल संघ को आशीर्वाद देते कि आगे से कभी भी शासन में कोई संकट आएंगे, कोई विघ्न आएंगे, कोई भी शावक शावी का साधु शावी या संघ मुझको याद करेंगे तो अवश्य मैं उनको सहाय करूंगा। वैसे वो जागृत देव है, यानी छठी निकाय भवनपति के अंदर होता है, वैमानिक देवलोक भी होता है, भवनपति भी देवलोक होता है। मारी मतलब ही नहीं, यानी कि भवनपति यानी हमारे नीचे जो देवलोक है उनके छठे निकाय के इंद्र महाराजा है। भवनपति में ऐसे ही देव रहते हैं, दूसरों को परेशान वाले करने वाले देव बहुत होते हैं, बाण व्यंतर आते हैं और व्यंतर आते हैं। हम जो बोलते हैं ना भूत पिशाच पलित, एक प्रकार के देव है, कोई प्रकार के देव है, लेकिन वो मलिन देव है जो दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। हमारे नव तत्व जीविचार में इनकी जाति आती है, देवों की, उसमें भी ये सब नाम आते हैं। सिद्धांतिक है वो, कोई गलत बात नहीं है। सिद्धांत में लिखा है, आगम में लिखा है कि ऐसे देव होते हैं, वो मलिन देव होते हैं। वो किसको परेशान करते हैं? पूर्व भगवान, उसका कोई बाकी रह गया होता है तो उसका कोई दुश्मन होता है, इसलिए हमारे यहाँ समापना पर्व होता है। किसी को मैं दुश्मन नहीं बनाऊंगा, 100 फ्रेंड मित्र दोस्त नहीं बनेंगे तो चलेगा, लेकिन एक को दुश्मन कभी मत बनाना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये मानी मतलब इंद्र बने, सकल संघ को आशीर्वाद दिया, जब भी कोई शासन में संकट आएंगे तो मैं अवश्य सहाय करूंगा। आज भी माणिकपुत्रवीर जागृत देव है। कोई भी आचार्य भगवान जब आचार्य पदवी लेते हैं, चाहे कोई भी समुदाय के होते हैं, सबसे पहले वे या तो मगरवाड़ा जाएंगे, या तो आगलेर जाएंगे, या तो उज्जैन जाएंगे, वहां जाके उनको धर्म लाभ देते हैं, क्योंकि तो उनको शासन के काम करने होते हैं। आज हम माणिकपुत्र की उपासना क्यों करेंगे? हमको कहां जाना है? आप सभी को कहां जाना है? पूजन के बाद घर जाना है? कहां जाना है? कल ऑफिस जाना है? आपको जाना कहां है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ का सेंटर क्या है? कुछ तो सेंटर होगा ना, कोई सेंटर तो होगा ना, कहां जाना है आपको? जाना कहां है? एक कोई भी सूर साफ हुआ तो वो तो भावना भाएगा कि मेरे को मोक्ष में जाना है, जहां अनंत सुख का मालिक बनाए, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चरित्र है। हमारा लक्ष्य तो वही होना चाहिए, मोक्ष, यानी कि राजा। आपने राजा मांग लिया तो सैनिक भी आ जाएंगे,
मंत्री भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, मोक्ष यानी कि राजा। माणिपद जी को वही प्रार्थना करनी है, दादा मेरे मोक्ष मार्ग में आने वाले विघ्नों को नाश करना, मेरे को यहाँ दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाते वक्त बीच में कोई परेशान करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा, मेरे को मोक्ष में जाना है लेकिन मोक्ष मार्ग में मेरे को बीच में कोई आड़ीबाजी करेगा, कोई आड़े आएगा, कोई विघ्न देगा, कोई संकट आएगा, कोई तकलीफ आएगी तो कौन दूर करेगा, उसके लिए देव के पास जाना। आप गाड़ी चलाते हो, स्टीयरिंग पता होता है, अभी तो पावर स्टीयरिंग आ रहा है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक स्पेयर भी होता है, स्टीयरिंग इंपोर्टेंट है कि स्पेयर भी इंपोर्टेंट है, दो चीज है। आप कार चलाते हो, ड्राइव करते हो, स्टीयरिंग इंपोर्टेंट है कि स्पेयर भी इंपोर्टेंट है, स्टीयरिंग हाथ में से अगर एक दो घंटे के लिए दो घंटे के लिए चला गया, आपने छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, स्पेयर व्हील तो कभी कभी यूज लेते हैं हम, लेकिन स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में रखना पड़ता है, परमात्मा हमारा स्टीयरिंग है, परमात्मा को नहीं छोड़ना है, लेकिन कभी गाड़ी पंचर हो गई तो किसके पास जाना है, स्पेयर व्हील के पास, यानी हमारे अधिष्ठान दे रही, जैसे ही पंचर हो गया चालू हुआ वापस स्टीयरिंग पर आ जाना है, उसको पकड़ के नहीं रखना। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आया आपको, हम पकड़ के रख देते हैं फिर भगवान को साइड पे रख देते, वैसा भी नहीं होना चाहिए, हमारे लिए स्टीयरिंग इंपोर्टेंट है, उल्टा कर दिया है, स्पेयर व्हील परमात्मा को बना दिया है, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो दुख के दिनों में आता है, उसका मतलब क्या हुआ, दुख यानी कि पंचर, आदि लाइन से पंचर होता है तभी दादा याद आते हैं, जब गाड़ी एकदम परफेक्ट चलती है तब दादा नहीं याद आते, दादा तो सुख में याद आने चाहिए, दादा मेरे पास अभी इतना सारा सुख है, उसी सुख का मैं सदुपयोग करता हूँ कि दुरुपयोग करता हूँ, मेरे को इस सुख को किस वे पे सदुपयोग करना चाहिए, भगवान आपने मेरे को आंख दी, एक प्रकार का सुख है, आप सही ढंग से देख सकते हो, वो भी एक प्रकार का सुख है, जो लोग नहीं देख सकते उनको जाके पूछो क्या हालत होती है, एक बार शंकर निद्रालय जाके 24 घंटा रहना और सोचना अगर ऐसी मेरी हालत होती तो मैं क्या करता, भगवान के दर्शन कर सकता, भगवान मेरे आपने मेरे को आंख का सुख दिया, कान का सुख दिया, बॉडी का सुख दिया, चलने का सुख दिया, खाने के लिए हाथ दिए, ये सुख का मैं सदुपयोग कर सकूं, वही भावना भानी है, लेकिन हम क्या करते जब दुख आते तभी परमात्मा के पास आते हैं, हमको जाना है मोक्ष में, इन बिटवीन को इतना आता है तो इस दादा के पास जाना है। आज ऐसे माणिपद भी जो जागरण देव है, कई जिनाले में मंदिर में डिराइसन में लिखा रहता है कि बहनों को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आज की बहनों आए, किसी ने सवाल तो बहुत लोगों ने पूछा था, सही बात है, हर एक जिनाले में लिखा हुआ रहता है, क्यों लिखा हुआ रहता है, आपने कभी मार्किंग किया, अगर आप भगवान की पूजा कर सकते हो देव की पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो मानी को जल्दी जागृत दे, आज हमारे संघ में सबसे जागृत अगर कोई देव है, यानी कि जागृत यानी कि उनकी उपासना आप साधना करो फल मिलेगा, यानी कि वो जागृत यानी कि उनका ध्यान संघ पर है, शावक शालिका पर है, वो देवलोक के सुख के अंदर आगे नहीं हो गए। कई देव ऐसे होते हैं कि देवलोक में जाने के बाद उनका एक नाटक यानी कि समझ लो एग्जाम्पल, आपकी एक मूवी 3 घंटे की होती है, उनकी एक मूवी 100 साल की होती है, अगर कोई देवलोक में गया मूवी देखने बैठ गया तो आपकी दुनिया जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन मारे तो फिर ऐसे नहीं है, वो जागृत देव है, वो ध्यान रखते हैं सब संघ का ध्यान रखने के उन्होंने एक गारंटी दी है, दुनिया में कोई भी कंपनी वारंटी देती है गारंटी कोई नहीं देती है, लेकिन माणिपद देवी ने तो गारंटी दी है कि आप मेरे को याद करना मैं अवश्य हाजिर रहूंगा। जागृत देव है, अगर जागृत देव के पास अगर कोई बहन समझ लो सही टाइम में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, अंतराय में हो, आके टच कर ले गलती से तो उनका प्रभाव कम ना हो जाए, कुपित ना हो जाए, उनकी आशापना ना हो जाए, उसके लिए माणिपद देव की पूजा नहीं करनी होती, लेकिन पूजन में तो सभी आते हैं, और वो जो प्रतिमा होती है वो अंजसलका वाली नहीं होती है, अभिषेक वाली प्रतिमा है, वो यंत्र भी खाली अभिषेक वाला है, तो उतने आसना का कुछ नहीं होता है, आप प्रतिमा लेके भी जाओगे कोई डरने की बात नहीं है, अभिषेक वाली प्रतिमा है, कंपलसरी कोई पूजा नहीं करना है, कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको लगता है कि मेरे को पंचर हुआ है तो जाके प्रार्थना करना, हाथ जोड़ना, बस आपकी लाइफ वेल से चलती रहे, कहीं नहीं जाना है, जिसके घर माणिपद होते हैं कहीं उनको कभी नजर भी नहीं लगती है, वो भूतों के इंद्र है, उसको किसकी नजर लगेगी, वो तो सबके इंद्रा है, हमने तो राजा को पकड़ा है, तीर्थंकर देवादी देव को पकड़ा है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे माणिपद की आज साधना करनी है। देखो कोई भी सिद्धि साधना के बिना नहीं प्राप्त होती है, आज आप साधना के लिए बता रहे हो, क्या टाइमिंग हुआ है, 10:30 ही हुआ है, 11:15 तक हुआ है, साधना करनी ही होती है तो कष्ट होता है,
दशकालिक सूत्र आगम है जो सारे संप्रदाय सारे समुदाय मानते हैं, दिगंबर श्वेताम्बर तेरापन सब संप्रदाय मानते हैं। भगवान ने जो लिखा है पांचवा अध्ययन है, दूसरा उद्देश्य है, उसमें लिखा है देह दुखम महाफलम, शरीर को जितना कष्ट देते हैं ना सबसे ज्यादा फल मिलता है। रावण जैसा रावण भी साधना करके तभी सिद्धि प्राप्त की है। आप सोचेंगे बारह से बारह बज गए, एक बज गए, अभी भूख लगी है, घर जाना है, तो माणी मुदे भी खुश होने वाले नहीं। अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमने समझा कि माणी मुदे भी क्या है। आप ट्रेन में जाते हो राजस्थान समझ लो, अभी तो शायद ट्रेन में ज्यादातर 80% जाते हैं, लेकिन अगर ट्रेन में जाते तो कितना घंटा लगता है। एक राजस्थान जाने के लिए 36 घंटा में ट्रेन में बैठ सकता हूँ, तो मेरे को तो मोक्ष में जाना है, तो 3 घंटा तो कुछ नहीं है। मन से प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ आप ऐसा ही सोचना है मैं माणिपुत्र इंद्र या तो मगरवाड़ा में बैठा हूँ, या तो अगरोड़ में बैठा हूँ, या तो उज्जैन में बैठा हूँ। दादा मेरे सामने अभी माणिपुत्र का आह्वान होगा, यानी साक्षात माणिपुत्र वीर वेंदर निकाय का छठे इंद्र जो है उसका आह्वान करेंगे, यहाँ उनकी स्थापना करेंगे, साक्षात माणिपुत्र वीर पधारेंगे, उनको छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना है। बहुत सारी तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हम साल साल तक दुखी होते हैं, हमको तो 4 घंटे में दादा कोई प्रार्थना करनी है, बस मेरे जीवन में शांति आए, आखिर मेरे को परमात्मा के पास जाकर उनकी भक्ति करनी है, आखिर मोक्ष में जाना है, 8 कर्म का क्षय करना है, मेरा मोक्ष मार्ग सक्सेसफुली यानी कि स्वप्नली चलना चाहिए। ऐसे माणिपुत्र वीर की आज आराधना उपासना साधना पूजन अर्चन भक्ति भावना सब करना है। उसके पहले पूजन की शुरुआत के पहले ऐसी विधि आती है जो प्राथमिक विधि, हमारी बॉडी को शुद्ध करना है, इस भूमि को शुद्ध करना है, आजूबाजू के वाइब्रेशन को शुरू करना है, सबको हाथ जोड़ना है, सब स्टेट में जाओ। पहले हम वात कुमार यानी कि वायु, एक वायु कुमार भी देव होते हैं, उस वायु कुमार की शुद्धि करेंगे। खाली आप सबको हाथ जोड़ना है, बाकी सारा मंत्र मैं यहां से बोलूंगा। ओम रीम वात कुमाराय विघ्न विनाशकाय महीपुताम कुरु कुरु स्वाहा। मेघ कुमार आए, मेघ यानी बारिश, उस बारिश की भी पूजा होती, वो भी एक प्रकार के देव होते हैं। आज बारिश भी नहीं आएगी तो उनकी भी एक पूजा होती है, हर एक पूजन प्रतिष्ठा अढ़ाराभिषेक कोई भी पूजन हो तो ये सारी विधि प्राथमिक होती है। ऐसे मेघ कुमार देव की पूजा और आह्वान होगा। ओम रीम एक कुमार आय धराम प्रक्षालय प्रक्षालय रूम फुट स्वाहा। हर एक क्षेत्र होता है उसके क्षेत्रपाल देव होते हैं, चाहे आपकी ऑफिस हो चाहे आपका घर हो, हम जहीं कहीं भी रहते हैं हर एक क्षेत्र के क्षेत्रपाल देव होते हैं। उस क्षेत्रपाल की स्थापना के बिना, उसकी अनुज्ञा के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। बड़े बड़े चाहे आचार्य भी भगवंत होंगे तो पहले सबसे पहले उसी क्षेत्र की स्थापना करते हैं। हम कभी बिहार में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, एक हमारी सिद्धांतिक हमारी एक परंपरा या तो भगवान की आज्ञा है कि हमको कई बार हम बिहार में जाते हैं, अभी हमको समझ लो कि मातृ की शंका हो गई, वॉशरूम जाना है रास्ते में, हम जंगल में चल रहे रोड पे हाईवे पे समझ लो क्या करेंगे, तो हम जंगल में जाते हैं। अगर कोई महात्मा अगर अणु जाना जस्वक हो, एक भगवान ने एक का दिया हुआ एक मंत्र है, वो बोले बिना अगर बैठ गए और वहां के क्षेत्रपाल देव जागृत है तो उनको भी प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे भी बहुत देखा है, कई बार हमारी भी गलती होती तो हमको भी परेशान हो जाते हैं। हमारे एक महात्मा को भी ऐसा हुआ था, रास्ते में जा रहे थे उपास में आए, पहले हम पूछे थे वो पीछे से आए तो वो उर्दू की लैंग्वेज बोलने लगे। अभी जिनको कोई लैंग्वेज का ही पता नहीं कभी उस व्यक्ति को भी नहीं मिले, उर्दू लैंग्वेज इतनी फास्ट बोलने लगे, कंटिन्यू 1 घंटे तक बोलने लगे। हम भी अजीब हो गए, इनको हो क्या गया, प्योर उर्दू लैंग्वेज बोलने लगे। फिर पता चला कोई महात्मा ने बोला, पीछे वो स्थल गए थे उनको वापस लेके गए और हम जहाँ जब वसी बोल के आए, बस वो मेरे को तो कुछ नहीं बोला, हूँ बाद में बोले मेरे कुछ पता नहीं है, मैं तो यहाँ सिद्ध करके आया हूँ। ऐसा होता है, हर एक क्षेत्र के क्षेत्रपाल देव होते हैं, यहाँ के क्षेत्रपाल देव की हम शुद्धि करेंगे। ओम गुरु श्री भूत दात्री सर्व भूत ही से भूमि शुद्धि गुरु गुरु स्वाहा। हम घर से स्नान करके आए हैं लेकिन हम मंत्र स्नान करेंगे। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वदिन चलाय पाम 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 किं श्री वसुचिर सुचिर भवामी स्वाहा। एक बार सभी यहाँ पर क्षेत्रपाल देव की स्थापना तो की है, आप देख सकते हो अब सब
यहाँ पर तो लाभार्थी परिवार ने की है, पर हम सबको मिलकर भी क्षेत्रपाल दादा को, यहाँ के क्षेत्रपाल दादा को आह्वान करना है, तो सब मिलकर मेरे साथ कहेंगे। पड़ोस वाला भी नहीं आएगा, तो सब मिलकर दोनों हाथ उड़ाकर हंसते चेहरे पर क्षेत्रपाल दादा को विनती करेंगे, आप आओ हमारे विघ्न को दूर करो। गुस्सा आ गया हो या तो कुछ भी हो गया हो तो कलमश दहन को बोल दें। आज जोड़ी ओमरी वीरस कुलिंगे महाविद्य सर्व कलमशम दह दह स्वाहा। भाग्यशाली जितने भी विराजमान हैं, अगर अपने पूजन में हाजिरी लगानी है तो स्वाहा सभी को बोलना है, क्योंकि स्वाहा नहीं बोलोगे तो जैसे पूजन में खाली आए वैसे खाली चले जाओगे। तो स्वाहा सभी को एक ही नाद में नाभि से बोलना है, जब भी स्वाहा बोला जाए। एक हमारी जो मेन पांच अंग है उसका आरोह अवरोह की एक विधि होती है, वो पांचों अंगों को शुद्ध करना है। सबको साथ में अगर आए तो बोलना है शीपा ओम वज्र प्रंजन स्तोत्र। वज्र यानी कि हमारी बॉडी के चारे बाजू वज्र जैसा एक आकार बन जाता है। वैज्ञानिक साइंस ने सिद्ध किया था कि ये स्तोत्र बोलने के बाद उनकी ऑरा चेक की जाती है, पहले इतनी ऑरा होती है, ये वज्र प्रंजन स्तोत्र बोलने के बाद 100 फुट लंबी हो जाती है। हमने भी ऐसा देखा था, हमने खुद ने देखा था, ऐसा होता है। बहुत प्रभावित स्तोत्र है वैसा वज्र प्रंजन स्तोत्र। यहाँ से आपको जैसी एक्शन कराई जाए वैसी भाव के साथ आपको करना है। जिनको आता है भाग्यशाली वज्र मंत्र स्तोत्र वो हमारे साथ बोले, जिनको नहीं आता है वो अपने बस जिस प्रकार गुरुदेव मंत्राक्षर के साथ वज्र मंत्र स्तोत्र के सारे विधान करते हैं, आप सभी मिलकर देखेगा। बिल्कुल पवित्र मंत्र है। कहते हैं कि अगर इस मंत्र को रोज घर से, अगर आप ऑफिस जाते हो कहीं भी जाते हो, अगर इसको पाठ करके जाए तो कभी कोई विघ्न नहीं आता है। तो लीजिए वज्र मंत्र स्तोत्र। ॐ परमेश्वरी नमस्कार we
ऐसे लाभार्थी परिवार श्री संजय जी श्रेयांशी भंडारी परिवार जिन्होंने आज स्थापना का लाभ लिया है, यानी कहते हैं कि आप सब महाजन हो, सुबह दुकान खोलते हो, बोनी अच्छी होती है तो पूरा दिन कैसा जाता है, बोलो तो सही। अगर बोनी अच्छी भी है भाई, मारवाड़ी तो है ही सही यहाँ पर सब, तो पूरा दिन क्या हो जाए, जबरदस्त जाता है। उसी प्रकार हमारे आज बोनी श्री भंडारी परिवार ने किया, एक बार हम सब मिलकर खूब खूब अनुमोदना करेंगे ऐसे भंडारी परिवार की, जोरदार ताली से सब मिलकर हो निवेदन करूंगा, थोड़ी हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ पड़ रही है तो 9591 जिसकी भी गाड़ी है थोड़ी साइड में कर दीजिए, धन्यवाद। आपकी प्रतिमा या तो आपके पास यंत्र दिया गया, ये आह्वान के बाद आपका यंत्र नहीं रहेगा, माणिक बजा भीड़ हो जाएंगे, आपकी प्रतिमा नहीं रहेगी, माणिक बजा भीड़ हो जाएगी। जगत में यंत्र और प्रतिमा तो बहुत जगह में मिलती है, लेकिन जब तक उसमें विधि नहीं होती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओम ह्रीम माणिक बजा देव सपरिवार अत्र आगच्छ आगच्छ सर्वो षट् ओम रे माणिकराज सपरिवार अत्र टिष्ट टिष्ट ठह ठह ओम रे माणिकराज सपरिवार मम सन्धितो भव वसट् ओम रे माणिकराज सपरिवार अत्र स्थातव्य यजमान विधि ओम रे माणिकराज सपरिवार परेषाम् अदीक्षितानां मदस्यो भव भव फट् ओम रे माणिकराज सपरिवार इमां पूजान गुहाण गुहाण अभी माणिक बजाने की विधि की शुरुआत होगी, पहले 5 अभिषेक होंगे, मैं आपको टोटली इंडेक्स बता देता हूं। 5 अभिषेक होता है, दूध का अभिषेक होता है। देखो ये जो विधि है साल में एक ही बार लाभ मिलता है, ये एक बृहत पूजन है, छोटा पूजन नहीं है। आपकी थाली में 18 की सामग्री मिलेगी आपको, 5 अभिषेक के अलावा बाकी सारी सामग्री आपकी थाली में है। सबसे पहले दूध का अभिषेक होगा, सेकंड दही का अभिषेक होगा, शेरी के रस का अभिषेक होगा, गन्ने के रस का अभिषेक होगा, सर्व औषधि का अभिषेक होगा, घी का अभिषेक होगा, उसके बाद 3 विलेपन होंगे और 3 विलेपन के बाद माणिक बजा विधि की यहाँ स्थापना विधि होगी, जो शास्त्रीय श्लोक है वो होगा, उसके बाद अष्टकारी पूजा होगी। कोई राजा आता है उसका राज्य अभिषेक होता है, उसके पहले रेडी होके आता है, पहले तो माणिक बजा विधि को हम विलेपन तक रेडी करेंगे, उसके बाद अष्टकारी पूजा करेंगे। तो
सबसे पहला अभिषेक आएगा दूध का अभिषेक। आप सभी को दूध दिया जाएगा, आपके यंत्र और प्रतिमा पर आपको भाव से अभिषेक करना है। और ये जो मेन मूर्ति है, जिनकी एक साल से हम साधना करते हैं, अखंड 8 दिन झाप हुए हैं, करीबन 1 करोड़ से ज्यादा सबका मिला के 1 करोड़ से ज्यादा झाप हो चुके हैं, ऐसी पंच धातु की प्रतिमा, उनके पर जिस परिवार को लाभ लेना है उनके 5 चढ़ावे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चढ़ावा बोलेंगे। सबसे पहले दूध का अभिषेक का चढ़ावा है, वो परिवार यहाँ आएगा और अभिषेक करेगा। तो देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, जिनकी हृदय से भावना है, देखो ये अभिषेक का अवसर कभी कभी मिलता है, साल में एक बार को एक बार तो याद करना ही चाहिए। तो जिनकी भी भावना है, देखो लक्ष्मी तो आज और कल नहीं, मानी मनी जागृत देव है, वो ध्यान किसी का रखते हैं, सावक सभी का साधु सभी का। आप लक्ष्मी किस जगह पे जाने देते हो, चाहे क्लब में हो, चाहे पब में हो, चाहे लैंड लेने में, चाहे रियल एस्टेट में, इस देव को सब पता रहता है। इस देव को जब पता चलेगा कि ये मेरी भक्ति करते हैं तो ये आपका रास्ता सरल बना देंगे। वैसे मानी मतलब इनका दूध का अभिषेक चढ़ाने की शुरुआत करेंगे। जिनकी भी हृदय की भावना है फास्ट होना चाहिए, किसी को खड़ा नहीं होना है, आपके पास सभी सामग्री आएगी, कार्यकर्ता आपके पास पधारेंगे। हमारे साधु जी भगवान जो पट्टालम में चातुर्मास है, नवदीप सूर्य जी महाराजा के समुदाय के पट्टालम से पधारे हैं, हमने एक ही बार विनती की है, आप पट्टालम गए थे। पूज्य साधु जी मयूर पद्मासी जी महाराज साहब और पूज्य परम पूज्य साधु कुंडी पद्मासी जी महाराज साहब भी पधारे हैं, और सूले से भी साधु जी भगवान पधारे हैं। लीजिए भाग्यशाली, खूब खूब अनुमोदन भंडारी परिवार को। लीजिए आप जिसकी भी इच्छा हो भाग्यशाली, मात्र मैं 2-2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो भाग्यशाली कहते हैं सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो निवेदन करूंगा ऐसी ही प्रतिमा, और अब इसकी स्थापना हो चुकी है भाग्यशाली। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, हमारे कार्यकर्ता आएंगे आपके पास अपने आप सबको सामग्री देंगे, आप वहां ध्यान नहीं दीजिए। अब मणिभद्र दादा की स्थापना हो चुकी है, तो अब ये प्रतिमा नहीं है, अब ये दादा मणिभद्र दादा का स्थापना हो गई है। आपके भाव 24 कैरेट गोल्ड है, तो गुरु परमात्मा मणिभद्र दादा भी 24 कैरेट गोल्ड है। और जिस पुण्यशाली को भाग्यशाली मणिभद्र दादा का साथ होता है, उसके जीवन में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेगा। भक्ति के माध्यम से बिल्कुल नई बात कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती कोई परम भक्त है, जहां जहां भी गुरु जी जाते हैं वहां अवश्य दर्शन करने जाते हैं।